गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर में सांवरिया सेठ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। शयन मंडल मंदिर समिति द्वारा कीर्तन किया गया। दरअसल स्थानीय सांवरिया सेठ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम संत धराचार्य जी महाराज के निर्देशानुसार सांवरिया सेठ का आकर्षक श्रृंगार राजेश वैष्णव मंदिर पुजारी द्वारा किया गया। वहीं मंदिर समिति द्वारा परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास महाराज का पूजन अर्चन किया गया। मंदिर समिति द्वारा कान्हा जी को झूले पर विराजित किया, जहां श्रद्धालुओं द्वारा कान्हा जी को झूला झुलाया। विशेष रूप से 12 घंटों तक कीर्तन किए गए। मंदिर में 51 किलो की नुक्ति प्रसादी वितरित की गई। आपका? मेरा नाम जितेंद्र डोंगरे है। आज यहाँ सांवरिया मंदिर में क्या क्या आयोजन किए गए गुरु पूर्णिमा? देखिए, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारे परम श्रद्धेय रामानुजाचार्य, परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव धराचार्य जी स्वामी की आज्ञा अनुसार उनके निर्देश में आज गुरु पूर्णिमा पर यहाँ प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक 12 घंटे का संकीर्तन किया गया, अखंड कीर्तन। 51 किलो की प्रसादी बनाई गई और साथ ही श्रावण मास का झूला भी आज बन गया, जिसमें बाल गोपाल जी झूला झूल रहे हैं। साथ ही आज भगवान श्री सांवरिया सेठ का स्वर्ण रचित, स्वर्ण जड़ित सुंदर पोशाक का श्रृंगार भी किया गया और आज बहुत अद्भुत अलौकिक दिव्य आनंद पूर्वक यह हर्ष और उल्लास के साथ सभी भक्तजन आए और प्रातःकाल से यहाँ भक्तों का भी आवागमन चल रहा है। 51 किलो का प्रसादी का वितरण हुआ, दूध की प्रसादी का वितरण हुआ है। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।